हेलो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू आवर थर्ड सेशन ऑफ चैप्टर 4। क्लोथ्स आर प्रोटेक्टर। सो चिल्ड्रन, वी विल स्टार्ट दिस सेशन विद एन एक्टिविटी। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 35 और लुक एट दिस स्क्रीन। एक्टिविटी इज Name 5 things that clothes protect us from। हमें उन 5 things के नाम लिखने हैं जिससे clothes जो हैं वो हमें protect करते हैं। So कौन कौन सी हैं वो? Heat, cold, rain, dust and insect bites। Clear? Now question B। Sort the following fibers and then write them under the correct groups। Plant fibers, आपको यहाँ से find out करना है कि plant fiber कौन कौन से हैं। So cotton and jute are plant fibers। Animal fibers, wool and silk। Man-made fibers, nylon, rayon and polyester। Clear children? Now let get started। Traditional dresses। So children, you know very well, people of different part of our country and in the world wear different type of clothes। They also wear them in different style, in different state, different area, different region। हम देखते हैं कि पूरे world में, या फिर हम सिर्फ अपनी ही country की बात क्यों ना करें इसमें, कि प्लेस चेंज होते होते जो लोग होते हैं उनका क्लोथिंग स्टाइल भी चेंज हो जाता है। ओके, सो वो अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग क्लोथ्स वियर करते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस। वो उनके प्लेस की, उनकी कम्युनिटी की आइडेंटिफिकेशन होती है। क्लियर? There are different types of clothes worn by people living in different places in the world। As you all know that different type के जो क्लोथ होते हैं वो वर्ल्ड में different different places पे पहने जाते हैं। ठीक है, आपने देखा है क्या पूरे वर्ल्ड में सेम टाइप की ड्रेसेस पहनी जाती हैं? नो, हर एरिया की, हर स्टेट की, हर कंट्री की अपनी एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। ओके, सो अलग अलग जगहों पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरह की ड्रेसेस वियर करते हैं। द टाइप ऑफ क्लोथ्स शो द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द एरिया। सो जिस टाइप के वो क्लोथ्स पहनते हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि उस एरिया का ट्रेडिशन क्या है, वहाँ की क्या परंपराएं हैं, क्या कल्चर है, किस तरह का पहनावा है। ईच एंड एवरी कम्युनिटी इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशनल ड्रेसेस। देखिए, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी एरिया हैं, उनका अपनी एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है। ठीक है, उनकी अपनी एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। जैसा कि आपने देखा है, हम अपने इंडिया की ही बात करते हैं, अपने इंडिया में हम डिफरेंट टाइप्स के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के क्लोथ्स वियर किए जाते हैं। जैसे आपने देखा पंजाब है, पंजाब में क्या वियर किया जाता है? पटियाला ड्रेसेस। ठीक है, अब पटियाला सलवार एंड कुर्ता। कश्मीर का एक डिफरेंट काइंड का ड्रेस होता है। ओके, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स वहाँ पहने जाते हैं। हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट काइंड के क्लोथ्स वेयर किए जाते हैं। सो क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं वो वहाँ के कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशन को शो करती हैं कि किस तरह के वहाँ के लोगों का ड्रेस है। ओके, As you can see in this picture, some traditional dresses around the world। देखिए कि अलग अलग टाइप की जगह की ये ड्रेसेस दिखाई गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये इस तरह की जो ड्रेस होती है ये चाइना में पहनी जाती हैं। ओके, और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसमें इस टाइप के गाउन्स पहने जाते हैं। ओके,
ये फ्रेंच, फ्रांस में अलग टाइप के। ओके, सो अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट काइंड के जो क्लॉथ्स हैं वो वेयर किए जाते हैं, ठीक है। और वही उनकी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है उस एरिया की, उस कंट्री की, क्या होता है वहाँ का कल्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग वो ड्रेसेस वेयर करते हैं। क्लियर? सो चिल्ड्रन, जितनी पूरे वर्ल्ड में डाइवर्सिटी है, उसके बाद क्या है, हमारे इंडिया में भी एक ओनली कंट्री, यानी सिर्फ एक इंडिया में ही इतनी सारी डाइवर्सिटी है जितनी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, ठीक है। हम जब इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं, और हर स्टेट की एक अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस है। हर रीजन पे आप थोड़े थोड़े एरिया पे जाएंगे, वहाँ पे लोगों का जो ट्रेडिशन है वो चेंज होता है, कल्चर चेंज होता है। ओके, नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज केयर ऑफ क्लोथ्स। देखिए चिल्ड्रन, जिस तरह से जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, कॉल्ड से, रेन से, डस्ट से, इंसेक्ट्स बाइट से, इसी तरह से हमें भी अपने क्लोथ्स की केयर करनी चाहिए ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहें, क्लीन रहें। ओके, सो हम अपने क्लोथ्स की जो केयर है वो किस तरह से कर सकते हैं। वी शुड लुक आफ्टर आर क्लोथ्स वेल। हमें अपने जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उनकी बहुत अच्छे तरह से देखभाल करनी चाहिए। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल। क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड वेल विद अ गुड सॉप और डिटर्जेंट टू रिमूव ऑल द स्वेट, डर्ट एंड स्टेंस। हमारे जो क्लोथ्स होते हैं उनको जब हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हमें एक बहुत अच्छे से उन्हें गुड क्लोथ से क्या करना चाहिए, वॉश कर, गुड सॉप से, सॉरी, गुड सॉप से या फिर कोई किसी डिटर्जेंट पाउडर से उन्हें अच्छे से क्लीन करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। किस लिए? टू रिमूव ऑल द स्वेट, डर्ट एंड स्टेन। जो उसमें स्वेट होता है, डर्ट होती है, गंदगी होती है, एंड स्टेन्स, अगर कोई भी उस पर दाग धब्बा है तो उसको रिमूव करने के लिए हमें एक गुड डिटर्जेंट से और अ गुड सॉप के साथ उसे वॉश करना चाहिए। किन्हें? क्लोथ्स को। वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स नीड स्पेशल केयर। देखिए, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, सिल्क क्लोथ्स होते हैं, उनको स्पेशल केयर की नीड होती है, अदरवाइज वो डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ओके, दे नीड टू बी स्टोर्ड वेल टू। और जब हम उन्हें रखते हैं, स्टोर करते हैं, तब भी उन्हें एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा संभाल करके रखा जाता है। दे कैन बी ईजीली अटैक्ड बाई स्मॉल इंसेक्ट्स सच एज मॉथ्स एंड सिल्वर फिश। देखिए क्या होता है कि अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे, ठीक है, और हम उन्हें अच्छे से स्टोर करके नहीं रखेंगे, तो उनमें कीड़ा लग सकता है। ओके, यानी कि वो जो कपड़ा होता है उनको छोटे स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, मॉथ्स होते हैं। एक सिल्वर फिश आपने देखी होगी, बहुत छोटा सा इंसेक्ट होता है सिल्वर कलर का, जो कि फिश की तरह लगता है, आपने अक्सर देखा होगा, क्लोथ्स के आसपास ही दिखाई देता है वो। सो वो क्या करते हैं, जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उनको खा जाते हैं। ओके, अटैक कर देते हैं, और उसमें जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो जगह जगह से टियर होने लगते हैं, फटने लगते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? सो हमें इस चीज़ से बचाने के लिए, हमारे क्लोथ्स को ख़राब होने से बचाने के लिए, डैमेज होने से, फटने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उनकी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, उन्हें एक अच्छे डिटर्जेंट और सोप के साथ वॉश करना चाहिए, और जब हम उन्हें स्टोर करते हैं तब भी हमें एक्स्ट्रा केयर रखनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर। सो व्हेन यू स्टोर वुलन क्लोथ्स, कीप मॉथ बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स अलोंग विद देम। तो जब भी हम वुलन क्लोथ्स को या सिल्क क्लोथ को स्टोर करते हैं तो हमें उनके साथ क्या रखना चाहिए, मॉथ बॉल्स जो होती हैं, या फिर ड्राइड नीम लीव्स, सूखी नीम की पत्तियां, जिससे उनमें किसी भी तरह का कोई कीड़ा ना लगे। दिस विल कीप द इंसेक्ट्स अवे। सो इससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो दूर रहते हैं हमारे क्लोथ से। आपने देखा होगा आपके घर में जो ग्रैंड मदर हैं, मदर हैं, जब वो हमारे वुलन क्लोथ्स को रखती हैं समर सीज़न आने के बाद, तो वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ बॉल्स रखती हैं, मॉथ्स बॉल्स या फिर नीम लीव्स, जिससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो दूर रहते हैं।
Woolen cords and trousers should be dry cleaned. They are spoiled by plain washing. We should never store dirty woolen clothes. We should always wear clean clothes. देखिए जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, वुलन कोट्स होते हैं, ट्राउज़र्स होते हैं, उनको ड्राई क्लीन करवाने चाहिए. उन्हें हम डायरेक्टली ऐसे ही नहीं वॉश कर सकते. इससे क्या होता है कि वो ख़राब हो जाते हैं. ओके, वो लूज़ पड़ जाते हैं. ठीक है, सो और हमें बहुत अच्छे से इनको ड्राई क्लीन करना चाहिए. और हमें कभी भी, वी शुड ऑलवेज़ वेयर क्लीन क्लोथ्स, हमें कभी भी डर्टी क्लोथ्स नहीं वियर करने चाहिए. हमेशा किस तरह के क्लोथ्स जो हैं वो वियर करने चाहिए, क्लीन क्लोथ्स. ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको ये क्लियर है कि किस तरह से हम अपने जो क्लोथ्स होते हैं उनकी टेक केयर कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं.